लोकल पवोकल रांची का था लड़का, रांची में है चमकाश ईशान शानदार, किशन की है शानदार पारी और श्रेयस अय्यर भी तो था सुपर हिट अय्यर ऑन फायर, शतक के पार पहुंचा, फ्री हिट जरूर थी वो गेंद लेकिन, और संजू बाबा ने खेली एक और शानदार पारी 36 बॉल में 30 रन उन्होंने ये मैच में भी बनाया। टेम्बा बबुमा खेले नहीं साउथ अफ्रीका के लिए, उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो खेले नहीं ये मुकाबला। और अब स्कोर कार्ड पर अगर डाले नज़र तो प्लेयर ऑफ द मैच गया है श्रेयस अय्यर के पास। अगर आपको जानना है कि कैसे डिसाइड किया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, तो अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो बनाऊंगा और ये सब कॉन्टेंट्स आपके लिए आएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन माई चैनल। और अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी का फैसला किया और वहीं पर शायद टिक टू टिक हारा गया कि ये हम लोग धूप जल्दी ढलता है और धूप जल्दी ढलने से आपका ओस आने की संभावना बढ़ जाती है। भारत का में माहौल है और मिशन मेलबॉर्न की तैयारी श्रेयस अय्यर जो जा रहे हैं ट्रैवलिंग रिजर्व के में उनके लिए होगी एक अच्छी मौका जो उन्होंने है चमका। और अगर भारतीय टीम को ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भी कर सकते हैं वो इस्तेमाल, क्योंकि रिजर्व प्लेयर से उठाकर डाल सकते हैं अपने टीम के अंदर कभी भारतीय टीम। और एडम माक्रम और हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर सबका था बोलबाला, क्योंकि एडम माक्रम ने बनाए 89 बॉल्स में और हेनरिक क्लासन जिनका कर रहे थे हम बहुत देर से इंतज़ार उन्होंने बनाए 74-76 गेंदों में। और शिखर धवन और गेल का बल्ला खामोश, ये था भारतीय टीम का तैयारी। और भारतीय टीम जो आज वार्म अप मैच खेलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस मैच खेलेगी अपनी टीम के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने। आज उनका एक मुकाबला जहाँ पर उनको तैयारी के लिए एक मौका मिलेगा, उसके बाद उनको वार्म अप मैच होगा 17 तारीख और 19 तारीख को, फिर 23 तारीख को पूरा विश्व का सबसे बड़ा मैच जब सबकी नज़र थम जाएगी क्रिकेट को देखने, हर चेहरा निकल जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान का वो शानदार मुकाबला खेला जाएगा। मिशन मेलबॉर्न की है तैयारी, मेलबॉर्न में जमा होंगे 1 लाख से ऊपर लोग जो गवाह बनेंगे एक और ऐतिहासिक मुकाबले का। और अगर आपको जानना है कि क्या है भारत के इतिहास से जो मूवमेंट्स है T20I वर्ल्ड कप का, अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा आपके सामने। और ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मुकाबला में भारतीय टीम की थी जय जयकार, क्योंकि भारत का कोई भी सानी नहीं है, जो डू एंड डाई मुकाबले होते हैं उसमें भारत का कोई सानी नहीं है। जीता एक और मुकाबला, डू और डाई नेक्स्ट मुकाबला भी होगा, क्या उसको भी जीत दर्ज कर पाएंगे आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाय बाय टाटा सी यू सेल्यूट्स।